दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। अभी मैं आपको एक 5 मिनट की 80 शब्द प्रति मिनट से डिक्टेशन बोलूंगा। उस डिक्टेशन में दिए गए जितने भी कठिन शब्द हैं पहले उनकी आउटलाइन आपको बना के बताऊंगा, उसके बाद में आपको डिक्टेशन बोलूंगा। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप डिक्टेशन को डायरेक्ट लिखें या पहले उनकी आउटलाइन बनाएं उसके बाद में आप डिक्टेशन की प्रैक्टिस करें। और यदि आपको शॉर्ट हैंड लिखने में इसके बाद भी कोई दिक्कत होती है, शॉर्ट हैंड आपकी नहीं लिखी जा रही है, स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियां अधिक आती हैं, या आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके आप शॉर्ट हैंड को सीख सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस आपको कैसे ज्वाइन करनी है इसके लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9756825983 पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस सुबह और शाम दोनों समय चलती हैं, किसी भी समय आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो शब्द है इनको बना के बता रहा हूँ शॉर्ट हैंड में, उसके तुरंत बाद ही आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलूंगा। सबसे पहला शब्द है शिक्षा का उद्देश्य, इस प्रकार से बनाएंगे शिक्षा का उद्देश्य। आगे है जय पराजय, जय और ये पराजय। इसके बाद में है विशिष्टता यह है कि, विशिष्टता यह है कि, हो गया विशिष्टता यह है कि। इसके बाद में है वेशभूषा, वेशभूषा, हो गया वेशभूषा। आगे है सृजन धर्मिता, जन धर्मिता, हो गया सृजन धर्मिता। इसी प्रकार से आगे है सिद्धांत के रूप में, सिद्धांत और ये के रूप में। इसके बाद में है आगे है साझेदारी के आधार पर, सॉरी हिस्सेदारी के आधार पर, यहाँ आएगा हिस्सेदारी के आधार पर, हिस्सेदारी के आधार पर। आगे है सर्वोच्च न्यायालय, इस तरह से बनाएंगे सर्वोच्च और ये न्यायालय, नासिक काट देंगे इसको। इसके बाद में है गरिमा बोध, गरिमा बोध। आगे है मान अपमान, मान अपमान। इसके बाद में है उत्तराधिकार के रूप में, लाइन काट के उत्तराधिकार के रूप में, हो गया उत्तराधिकार के रूप में। इसके बाद में है भारतीय शिक्षा, भारतीय शिक्षा। आगे है खान पान, इस प्रकार से बनाएंगे खान पान। इसी तरह से आगे शब्द है ऐसा हुआ भी है, ऐसा का शब्द चिन्ह लाइन से ऊपर, हुआ भी है, हो गया ऐसा हुआ भी है। इसके बाद में है विकास के रूप में, विकास के रूप में। इसके बाद में है हमारे देश में, ऐसे बनाएंगे हमारे देश में। आगे है विरासत के रूप में, विरासत के रूप में, हो गया विरासत के रूप में। लास्ट में है इतिहास बोध, इति और इतिहास बोध, हो गया इतिहास बोध, ये हा और ये सा, इतिहास बोध।
तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइन बना के बताई है। इन आउटलाइनों की आप प्रैक्टिस करें। इसके तुरंत बाद ही अभी मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोल रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए आप तैयार रहें। रेडी बहुत ही अच्छी डिक्टेशन है। रेडी शिक्षा का उद्देश्य प्रथमतः मनुष्य का निर्माण करना है और मनुष्य का निर्माण अस्मिता और गरिमा बोध से ही होता है। भारतीय शिक्षा सैकड़ों वर्षों से इस दृष्टि से असफल रही है क्योंकि अस्मिता बोध और गरिमा बोध इतिहास बोध पर निर्भर करते हैं। पूर्वजों के मान अपमान की गाथाएं और जय पराजय की स्मृतियां किसी भी समूह के सहज रूप से प्राप्त होती हैं। इसके साथ एक और चीज प्राप्त होती है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें उत्तराधिकार के रूप में मिलती है, वह है हमारी विरासत। उसकी विशिष्टता यह है कि उसमें अपमान या पराजय की कोई जगह नहीं होती। विरासत कोई संग्रहालय की वस्तु नहीं है, वह जीवंत थाती है जो अपने पूर्वजों से जोड़कर हमें स्पंदित और आनंदित करती है। इस विरासत की शिक्षा नहीं दिए जाने पर हमारा पारंपरिक जीवन अंध रूढ़ियों का शिकार हो जाता है। भारत विविधताओं का देश है, वह यह विविधता केवल भाषा बोली खान पान वेशभूषा की ही नहीं है अपितु विरासत का भी वैविध्य है। अपने ही पूर्वजों की सृजन धर्मता और कृतित्व में वैविध्य के आधार पर संघर्ष की स्थिति भी बनती है। भारत में ऐसा हुआ भी है। विरासत सबकी होती है लेकिन समय के साथ परंपरा को इतिहास को विरासत को साझा समझा जाने लगा। भारतीय विरासत चाहे ज्ञान सिद्धांत के रूप में हो, विविध प्रकार के कौशल के विकास के रूप में हो, स्थापत्य के रूप में हो, वह साझी नहीं सबकी है। जब सब सबका है तो है कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हमारा है वह हमारे लिए किस तरह उपादेय है यह जानना जरूरी है। विरासत हमें प्राप्त होती है, उसे हम गढ़ नहीं सकते। इसीलिए विरासत को समझने के लिए शिक्षण आवश्यक है। दुर्भाग्य से भारत में विरासतें और परंपराएं साझेपन के आधार पर समझी गई, हिस्सेदारी के आधार पर समझी गई। जब हिस्सेदारी आएगी तो अपने हिस्से का दुर्गुण भी लेकर आएगी। यही हुआ हमारे देश में। हमने परंपरा को बांट दिया, विरासत को बांट दिया। भारत की विरासत को कैसे समझा जाए, इस पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है। अयोध्या में रामलला को विविध पक्ष स्वीकार करना और उसके आधार पर भारत में सबकी विरासत के रूप में रामलला को स्वीकृत करने वाला निर्णय विरासतों को देखने की एक सम्यक दृष्टि देता है। राम को कुछ लोग ईश्वर कुछ इमाम हिंद मानते हैं, तो यह स्वीकृति को साझा करना है।
लेकिन जब सब उन्हें अपना पूर्वजों में श्रेष्ठतम स्वीकार करते हैं तो यह परंपरा में सहभागी होना है। अपने मान बिंदु को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये थी हमारी 80 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।